प्राइवेट बैंक में फ्रॉड नहीं हो रहे, आईसीआईसीआई बैंक में करप्शन नहीं है, एचडीएफसी में तरह तरह के फ्रॉड नहीं होते, उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के फ्रॉड देखेंगे तो आप हमें बताइए किस प्रकार कितने फ्रॉड है। हिंदू राष्ट्र चाहिए, मंदिर चाहिए था, वो मिल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। मैडम, सरकार ने जनधन खाते खोलने का टारगेट हमें दिया, हमें लगा कि जनता के हित के लिए है, हमने जी जान देकर किया कि नहीं किया। हम लोग विरोध करेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। स्वागत है आपका जनहित आवाज में, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज जंतर मंतर पर जो आप यहाँ तमाम लोग देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं भारतीय है, मजदूर संघ सरकारी उद्यमों का निगमीकरण बंद करो, इसके लिए चलते हैं। यहाँ पर यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं कहाँ कहाँ से ये लोग आए हैं। सबसे पहले नाम बताइए और कहाँ से आए। जी, मैं नवीन सिंह, कैनरा बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया महामंत्री। मैं रांची से आया हूं, झारखंड से, मैंने राजस्थान से लोग आए हैं, लोग बंगाल से आए हैं, लोग मतलब मध्य प्रदेश से आए हैं, लोग उत्तर प्रदेश से आए हैं, इधर पंजाब से लोग आए हैं, गुजरात से आए हैं, ये सारे जगह बैंकिंग सेक्टर के लोग यहां आए हैं। तो मसला क्या हुआ है, क्या कुछ हो गया है कि आप लोग यहां पर इतनी संख्या में? मसला जो है, जो सरकार का जो योजना है, जो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और निगमीकरण का जो है सो ये योजना को, इसके विरोध में हम प्रदर्शन करने आए हैं। सरकार को इस सांकेतिक, मेरा ये था एक वार्निंग था, जो सरकार इस दिशा में जो सोच रही है, अपने सोच को बदल ले, नहीं तो इसके आज हमारा प्रदर्शन जोरदार होगा और पूरे भारतवर्ष में होगा। सरकार की क्या सोच है? सरकार की तो आम जनता की तरफ सोच है, आम जनता के लिए काम कर रही है। सरकार आम जनता के कार्य कर रही है, सरकार हमारी विरोध सरकार से नहीं है, आपको मैं बार पहले ही बता दूं, हमारी विरोध सरकार से नहीं है, सरकार का ये पार्टिकुलर नीति है, इसका हम विरोध करते हैं। सरकार ने आम जनता के लिए, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जिन्होंने बीएमएस ने, सभी ने उसकी सराहना भी की है, उसका समर्थन भी किया है। जो वर्षों से जो चीज नहीं हुआ देश में, वो देश में ये सरकार लाए भी, ट्रांसपेरेंसी लाई, करप्शन को रोकने में बहुत ये मैंने ये किया। रुका है नहीं, बहुत हद तक रुका है, रुका है, बहुत हद तक रुका है, हाँ बहुत हद तक रुका है। अडानी दो नंबर पे कैसे आ, नहीं, एक नंबर आप एक चीज बताइए, ये अडानी क्या जो है बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद आई है क्या? अडानी पहले भी था, अडानी था, लेकिन आठ नंबर से एक नंबर हुआ। आप मीडिया वाले सिर्फ अडानी 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 का माला जप रहे हो, ऐसा सरकार का जो अच्छे कार्य है उसके बारे में तो कभी आप बोला करो। हम सरकार कार्य तो दिखाई रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, दिक्कत आ रही, हम जो विरोध कर रहे हैं, जहाँ हमारा, हम राष्ट्रहित में हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, तो सरकार जहाँ गलत डायरेक्शन जाता है हम उसका विरोध करते हैं और सही रास्ता पर लाने का प्रयास। सरकार को डायरेक्शन दिखाएंगे? दिखाएंगे, सरकार को हमारा काम है ना, हम देश का नागरिक हैं, हर नागरिक का फर्ज होता है, जो हमारा गवर्नमेंट अगर सही दिशा में नहीं काम कर रही है, जनहित में नहीं कार्य कर रही है, आम, तो हम विरोध भी करेंगे। क्योंकि देखिए, सरकार जो है, सरकार की बहुत सारी बातें होती है, सरकार राजनीति करती है, लेकिन ट्रेड यूनियन एक नीति से चलता है, हमारी एक नीति होती है, हमारी नीति क्या है, राष्ट्र हित में हम कार्य करेंगे, हम जो है मजदूर हित में काम करेंगे, वो हमारी नीति है। सरकार के पास राजनीति होती है, तो सरकार के अच्छे कार्य की हम प्रशंसा करते हैं, सरकार का इस नीति का हम पूरा विरोध करते हैं और इसका विरोध अंत तक करेंगे। मजदूर संघ के मुद्दे क्या है, मांगे क्या है? हमारी मांग है जो सरकार की इस योजना को, ये राष्ट्रहित में नहीं है, आप निजीकरण की बात, तो आप देखिए, हम बैंकिंग सेक्टर से हैं, बैंकिंग सेक्टर से हैं, आप देखो जितने भी सरकार की योजना होती है जो आम हित के लिए, जनहित के लिए, आम जनता होने लगता है, आम जनता के लिए जो सार्वजनिक, मेरा बात सुनिए, जो काम होती है वो जो है सरकारी बैंकों के द्वारा ही आम जनता तक सरकार की कोई भी योजना पहुंचती है, जिसको सफल बनाया जाता है। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में आम जनता के लोग जाते हैं क्या? जितने भी बैंक हैं, जो प्राइवेट बैंक है नहीं जाते हैं, तो प्राइवेट लाना हमारे राष्ट्र के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। जितने भी प्राइवेट बने ये लाया गया, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है क्या? जो सरकारी क्षेत्र के बैंक है आप देखिए परफॉर्म कर रहे सारे बैंक, तो इसलिए सरकार को ये बताना है कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, ये जनहित में नहीं है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। विरोध कर रहे हैं, अच्छे कार्य भी बता रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, आप एक चीज बताइए,
घर में बच्चे हैं तो बच्चे सारा काम गलत कार्य करते हैं नहीं, जो अच्छे कार्य करते हैं उसके पेरेंट्स उसको सराहते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन थप्पड़ भी लगाते हैं। तो जहां सरकार जो है सही काम कर रही है वहां सरकार का पुरजोर समर्थन करते हैं, जहां गलत कार्य करते हैं जनहित में वहां हम विरोध करते हैं। और लोग कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मुरारी मीना, राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं। अच्छा, आप भी प्रदर्शन करने आए हैं, क्या कुछ मसला हो गया है? मसला सरकार इतने अच्छे तो कार्य कर रही है। बिल्कुल मैडम, जो नवीन सिंह जी भाई साहब ने जो अभी आपको सब बताया, हम इन सब बातों से सहमत हैं। और जो भी सरकार के भाई साहब ने बताया, जो सरकार की अच्छी नीतियां हैं उनका हम समर्थन भी करते हैं, गलत नीतियां हम उनका विरोध भी करते हैं। रखिए ना, सरकार अच्छा ही कर रही होगी आपके लिए। तो उसी भरोसे को कायम रहने के लिए आज हमने प्रदर्शन किया है। अगर ये भरोसा कायम रहता है तो हम बिल्कुल सरकार के साथ में रहेंगे। बस इसी भरोसे की कायम रखने के लिए तो आज करिए ना आप, बिल्कुल करें। 2024 भी आ रहा है, अभी गुजरात चुनाव भी। ऐसा है कि राजनीति की बात हम राजनीति की नहीं करेंगे। हम यहाँ जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं वो राजनीति के लिए नहीं है। हमारी मांगे जो है निजीकरण के खिलाफ, उसकी आवाज को हम बुलंद करने आए। निजीकरण में दिक्कत क्या है ये बताइए, समस्या क्या आ रही है? लोग तो उसको बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको लगता है निजीकरण में विरोध क्या है, आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा। अगर किसी गांव में अनपढ़ महिला या किसी बुजुर्ग लेडी, अगर प्राइवेट बैंक खुल जाएंगे जिनके मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, और उनके पास सुबह का शाम नहीं, शाम का सुबह नहीं है, जिनके पास 700 रुपये पेंशन आती है, वो उन मिनिमम बैलेंस के चक्कर में उनका पूरा बैलेंस जीरो हो जाएगा, तो क्या ये नीति सही है? तो इसी नीति का हम विरोध कर रहे हैं कि सरकारी जितने भी जो हमारे PSUs हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वो यो मान लो राष्ट्र हित के लिए सही है। सरकारी डिपार्टमेंट पे तो हमेशा से आरोप लगता है, भैया तुम आप लोग जो है अच्छे से काम नहीं करते, बैठे रहते हैं, लूडो तक खेला है आप लोगों ने कोरोना में। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात का मैं कहीं हद तक समर्थन भी करता हूँ और विरोध भी करता हूँ। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, गंदगी हर जगह होती है, और मे भी कई बार नेग्लिजेंसी या इंटेंशन, बिना इंटेंशन ये हो जाता होगा, बट ये सी चीज़ें हमें कभी सुनाई में आया नहीं है कि ऐसा होता है। जितने भी सरकारी बैंक हैं या उनका प्रॉफिट मेकिंग, जैसे हमारा बैंक है प्रॉफिट मेकिंग बैंक है, हम कहते हैं हम काम करते हैं, तो सारे लोग काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। BMS का एक ही तो नारा है कि हम काम। वीडियो वायरल भी हुआ है सरकारी बैंकों का कि भैया बैठ कर आप लोग लूडो खेल रहे हैं, लाइन लगी हुई है, आप घंटों घंटों उन्हें लाइनों में खड़ा कर। आप लोग ये सब चीजें देख रहे हैं, लूडो ही देख रहे हैं, आप ये क्यों नहीं देख रहे कि हम जब कोरोना काल आया था पूरा बैंकर्स जो हमारी समाज था वो कहाँ था? सारे बैंकर समाज कोरोना को नजरअंदाज करते हुए सर्विस दे रहे थे बैंक में बैठ के। ये सब चीजों के लिए आप उसके लिए प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? एक बार तो उनके लिए तालियां बजा दीजिए कि बैंकर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। ताली तो बजी थी, फूल भी बरसाए गए हैं। देखिए मैम, ऐसा है कि बैंकर्स के लिए आप जो, क्योंकि आपकी सोच अगर ऐसी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी सोच नहीं है, जनता आपके ऊपर आरोप लगा रही है। नहीं 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 मैडम, आप जनता का, हमारा बैंकर से काम ये, सरकार ने भी तो निजीकरण इसीलिए किया। देखिए मैडम, हम डायरेक्ट जो जितना भी जो बैंकर्स हैं वो डायरेक्ट कस्टमर से डील करता है। हम बैंकर्स के द्वारा जनता की मानसिकता बहुत अच्छे से वाकिफ से जानते हैं कि जनता की सोच हमारे को लेकर बहुत अच्छी है। कुछ एक लोग जो ये मान के चलो कि पैसे वाले होंगे, हो सकता है उनको निजीकरण से फायदा होगा, लेकिन गरीब तबके के मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए तो किसी सरकारी तो फायदे बता रही है निजीकरण के कि भैया रोजगार जो है और बढ़ेगा, लोगों को मौका मिलेगा। हमें बोलना चाहते हैं कि आप बता सकती है कि पिछले 70 साल में कौन सा सरकारी बैंक बंद हुआ है? मैं तो आपसे सवाल कर रही हूँ, सरकार ही इसके फायदे बता रही है। क्योंकि कोई भी सरकारी बैंक बंद नहीं हुआ है। जब इनके प्राइवेट बैंक बंद हुए थे तो SBI को बुलाया गया कि जो कि सरकारी बैंक है कि इसको टेक ओवर करो, हम तो प्राइवेट बैंकों को बचा रहे हैं। तो जब हमारे बैंक बंद नहीं होते, प्राइवेट बैंक बंद हो रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह निजीकरण का फायदा है? मैं नहीं कह रही हूँ भैया, सरकारी फायदे बता रही है, आप देखिए खुद ही, आप पढ़िए खुद ही, वो खुद ही फायदे बता रही है सरकार। ऐसे क्या आज के समय में मैडम आप देखोगे कि आज भारत में सबसे बड़ा जो बैंक है वो सरकारी बैंक है, ना कि कोई प्राइवेट बैंक, सबसे बड़ा बैंक। और आज के टाइम पे जो सरकारी बैंकों ने परफॉर्मेंस दी है, जो प्रॉफिट सरकार को दिया है, वो प्राइवेट बैंकों से ज्यादा है। ऊपर से हम क्या है, हम प्रॉफिट मेकिंग भी है, हमारा सोशल कॉज भी है, हम दोनों चीज निभा रहे हैं। प्राइवेट बैंक सिर्फ एक ही चीज, वो प्रॉफिट ही देख रहे हैं। हम दोनों, हम सरकार की नीतियां भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित। कहां से आए हैं आप?
राजस्थान से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत है, मैं झारखंड रांची झारखंड से आया हूँ। इतनी इतनी दूर से आप लोग आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने, क्यों वहाँ पे आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जहाँ जिस राज्य से आप लोग आए हैं? ये मांग डिमांड नहीं की आपने? ये भारत सरकार की नीति है तो हमें प्रदर्शन तो दिल्ली में ही करना पड़ेगा ताकि सरकार को दिखाई दे कि उनका विरोध किया जा रहा है, उनकी नीतियों का विरोध किया जा रहा है। और सरकार को जहाँ तक हमें अवगत करा रहा है कि उनकी जो सोच है इस मामले में वो गलत है। निजीकरण का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट बैंकें बंद नहीं हो रही हैं, ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट बैंक आपको रूरल एरियाज में सर्विस देंगे, है ना। लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम ही देते हैं और जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं सबके अकाउंट्स हमारे पास हैं, सबको सर्विस हम दे रहे हैं। अगर निजीकरण हो जाए तो हम में से भी कोई क्यों तैयार होगा? वो दाग कैसे हटाएंगे आप अपने ऊपर से? जो बैंकर्स बैंक में बैठते हैं वो आराम फरमाते हैं, चाय पीते हैं घंटों, इसको कैसे हटाएंगे? ये किसी प्रकार का दाग नहीं है सर्वप्रथम। और क्या प्राइवेट बैंक लगता है? नहीं नहीं, जो हमेशा से लगता है ये केवल एक प्रकार की अवधारणा होती है। क्या प्राइवेट बैंक में फ्रॉड नहीं हो रहे? ICICI बैंक में करप्शन नहीं है? HDFC में तरह तरह के फ्रॉड नहीं होते? उसके कंपैरिजन में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के फ्रॉड देखेंगे तो आप हमें बताइए किस प्रकार कितने फ्रॉड है। और जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिस पर हमारे बड़े भाई साहब लगातार सवेरे से प्रकाश डाल रहे हैं, वो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा सरकारी बैंकों में ही है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में कोई शक्ति नहीं है आज की तारीख में। यहाँ जितने भी खड़े हैं प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक हैं, इन सबके हाथ में जो एक शक्ति हुआ करती थी वो आज की तारीख में वितरित हो गई है। हर व्यक्ति का क्रॉस चेक होता है, उसके ऊपर कोई है, उसके ऊपर कोई है। नीरव मोदी के PNB वाले जो फ्रॉड जो पुराना कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम का आता है, उससे यही बात सामने आई कि एक व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं बैठ सकता। CVC की गाइडलाइंस है। सरकारी बैंक जो आम व्यक्ति के लिए कर सकते हैं प्राइवेट कभी नहीं कर सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक को आज भी जब पेमेंट्स बैंक के लिए देनी थी परमिशन तो नहीं दी गई उतनी ज्यादा। डर लग रहा है अब किस बात? प्राइवेट में भी तो आप अपना अच्छा प्रदर्शन करके कार्य। प्राइवेट से ज्यादा प्रदर्शन हमेशा सरकारी बैंकों का रहा है। आज ये लोग जो धूप में यहाँ खड़े आपको दिख रहे हैं, ये सब अपनी व्यक्तिगत जो छुट्टियां मिलती हैं उसको लगा करके आए। जो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं ना, सरकार का विरोध, आप समझिए, सरकार का विरोध नहीं है, सरकार की नीतियों का विरोध है। सरकार के पर्टिकुलर नीति का विरोध करते हैं, सरकार का नहीं। यही मैंने कहा, सरकार का विरोध नहीं है, सरकार की नीति का विरोध है। क्यों यहाँ प्रदर्शन इतनी संख्या में आप लोग कर रहे हैं? सरकार की नीति का विरोध है। इसने अच्छे कार्य तो कर रही है, टीका अच्छा लग रहा है आपका, भगवान को मानते होंगे, मंदिर दे दिया ना आपको। बात समझिए, देखिए, जब हम यहाँ खड़े हैं, टीका अभी मैंने टीका लगा दिया, आपने मुझसे टीका पूछ दिया। अगर अभी मैंने बात समझिए, मेरी बात समझिए, आप अपनी भी अवधारणा को एक बार, मीडिया को भी इस बात को समझना होगा। आपने टीके को, हमारी बातचीत जो सार्वजनिक हित के बैंकों को बचाने के लिए हो रही है, जो हमारा धरना प्रदर्शन PSU को बचाने के लिए हो रहा है, एक सेकंड, आप किसी को टोपी को कभी कहती है अच्छा लग रहा है? अगर आपने टोपी लगाई होती तो आप क्या देती अच्छा लग रहा है? मैंने पगड़ी लगाई होती आप क्या देती अच्छा लग रहा है? ये इस देश की और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि जिस साधारण बात में टीके को क्यों लाया जाता है? टीका लगाया है, मेरी अपनी स्वतंत्रता है, मैं भारतीय संस्कृति का पक्षधर हूँ। मंदिर नीति की बात करिए, अच्छा लोगों को चाहिए था, मंदिर बन गया। एक सेकंड, मंदिर की तरफ नीतियों की आप विरोध कर रहे हैं। बातचीत टीके से मंदिर की तरफ नहीं ले जा सकती है, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, वो आध्यात्मिक तो अच्छी है ना, आप नीतियों का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, सारी नीतियों की विरोध नहीं कर रहे हैं, एक स्पष्ट नीति जो पब्लिक सेक्टर के लिए है उसका विरोध है। उसके हिंदू राष्ट्र चाहिए तो देखिए, हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है। बिल्कुल चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, मंदिर चाहिए था वो मिल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन PSU का प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए। मतलब सब चीज आप लोगों को चाहिए, मतलब सब कैसे, जो जितना चाहिए उतना मांग रहे हैं, जितना मांग रहे हैं। 13-14 घंटे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, खुशी नहीं? 12 घंटे यहाँ जो एक एक व्यक्ति खड़ा है ये शाखा में 12-12 घंटे काम कर रहा है, कोई कम काम नहीं कर रहा है। मैडम, आज की तारीख में शनिवार इतवार सब बैंक जा रहे हैं, सब काम हो रहा है। इस बार में कहां बैठ रहे हैं आप? किसने कहा नहीं बैठ रहे हैं? अभी 666 प्रोडक्ट से लेकर के सरकार की अटल पेंशन योजना से लेकर के जो भी चार बजता नहीं उसके पहले ही आप लोग दरवाजे वगैरह बंद कर देते हैं। मैडम, ये एक अवधारणा है महोदया। आप ये जो था व्यक्तिगत जो आप लोग ने देखा था, आज आप जाके देखिए, आप ही के लोगों के बीच से हम आए हैं। कोई भी व्यक्ति 4 बजे तक कैश ट्रांजैक्शन बंद होता है, बैंक का कोई भी प्रबंधक 7-8 बजे से पहले अपने घर नहीं पहुंच रहा है। एक एक सरकार की नीति को बढ़ाने के तो बंद हो, 4 बजे से पहले ही बंद हो जाता है।
है, शटर डाउन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, क्लोज का वो लग जाता है। मैडम 10 बजे अगर कैश खुलता है 18 करोड़ रुपए आपके पर्स में जितने पैसे हैं, एक बार हिसाब करके बंद तो करिएगा उसको। अगर वो पैसे 4 बजे आप नहीं बंद करेगा तो 7 बजे जो आदमी उठता है वो नहीं उठ सकता है, अगर 4 बजे बंद नहीं होगा तो। प्राइवेटाइजेशन का क्यों नहीं देख पा रही सरकार, आप इतना कार्य कर रहे हैं, तो सरकार को दिखा रहे हैं जो भैया के साथ यहाँ आकर के खड़े हुए हैं भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले, ये जो इतने इतने हजार हजार किलोमीटर दूर से आए हुए हैं, हम स्वयं लखनऊ से आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, ये यही बताने के लिए आए कि सरकार की कुछ नीतियाँ जो प्राइवेटाइजेशन है जिससे पब्लिक सेक्टर को खतरा है, उसके लिए सरकार को जागरूक करने के लिए आया कि वो नीति गलत है। सबसे बढ़िया नीति तो यही बताई जा रही है सरकार के द्वारा कि प्राइवेटाइजेशन से लोगों को रोजगार मिलेगा और बढ़ेगा, लोगों को मौका मिलेगा। भाई जो है, मैं अभिनव सत्यजीत बिहार से, मैं यहाँ सरकार के नीतियों का विरोध करने आया, जो पर्टिकुलर नीति है प्राइवेटाइजेशन का। चल गया मुझे, क्यों? क्योंकि ये बैंक जो है भारत का बैकबोन है, किसानों का भी बैकबोन है, ये इंडियन इकोनॉमी का भी बैकबोन है। ये इसीलिए हम लोग इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि ये क्लास के लिए नहीं, मास के लिए होना चाहिए। आप देखते होंगे आए दिन गरीब लोग आके केसीसी लेता है बैंक में पैसे निकालने, वो अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो वहाँ गरीब लोग जो बहुत छोटे तबके के लोग हैं, एकदम गरीब लोग हैं, वो लोग नहीं जा सकते वो बैंक, क्योंकि वहाँ मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस 10,000-15,000। जब किसी के पास 10-15,000 रहेगा नहीं तो क्यों मेंटेन, कैसे मेंटेन करेगा? हम लोग ने जनधन खाते खोले, सरकार के तरफ से ही वो आदेश आया कि जनधन खाता खोलिए और सबको जोड़िए, तो उसका विरोध नहीं हो, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन जो है, क्लास की बैंकिंग, वो नहीं होना है। ये पार्टिकुलर नीति का विरोध करना चाहता हूँ मैं। नीति की ही मैं बात कर रही हूँ कि भाई और भी तो नीतियाँ हैं, क्या सरकार आप लोगों को समझा नहीं पा रही है? क्योंकि जो भी वो नई नीति लाती है उसका विरोध होने लगता है। नई नीति, तीन कानून हो किसानों का, ये समझिए ना, आप ये समझिए कि जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो ये भारत बहुत बड़ी देश है और उसमें बहुत सारे लोग गरीब हैं, 70% लोग गरीब और सामान्य लोग हैं, 30% लोग ही क्लास लोग हैं, तो 30% के लिए सिर्फ बैंकिंग होना है? 70% बैंक नहीं करेगा? 70% इतना अच्छा कार्य किया है सरकार ने, EWS ला दिया है, आर्थिक रूप से जो सवर्ण लोग जो मजबूत नहीं है बताइए उनके लिए 10% ला दिया है। परेशान है, ऑयल सेक्टर के अंदर, मैं मनोज व्यास राजस्थान से हूँ, और ऑयल सेक्टर के अंदर देखा जाए तो BPCL का नाम सबसे पहले उछल के आया था प्राइवेटाइजेशन के लिए। उसमें आज जो BPCL की स्थिति है, भारत पेट्रोलियम की, हम इंडियन ऑयल से हैं, लेकिन BPCL का प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय मजदूर संघ जैसी ट्रेड यूनियन खड़ी रहती है। एक ऐसी ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ जो अपनी सरकार का होते हुए खुला विरोध कर रही है। ये नॉन पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन है। ये किसी कवि ने बहुत अच्छी शायरी में एक बात कही थी कि मत चिरागों को हवा दो तितलियां जल जाएगी, ये हवन वो हवन है जिसमें उंगलियां जल जाएगी, और माना कि पानी में आग लगा सकते हैं आप, पर मगर मच्छों के संग मछलियां जल जाएगी। यहाँ बात सारे लोगों की हो रही है, छोटे लोगों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है कि प्राइवेटाइजेशन होगा, मोनोटाइजेशन होगा। आज हम पाइपलाइन से हैं, पाइपलाइन के अंदर जब पाइपलाइन को किसी प्राइवेट कंपनी को या किसी बड़े उद्योगपति को पाइपलाइन किराए पे दे दी जाएगी, जिसपे आज हमारा प्रोडक्ट रन करता है, हमारा पेट्रोल डीजल रन करता है, वो जब पाइपलाइन किसी को किराए पे दे दी जाएगी वो मोनोटाइजेशन में चला जाएगा। उस पैसे का क्या किया जाएगा? वो पैसा हमारा उद्योग का, हमारे उद्योग के हित में और हमारे मजदूरों के हित में काम में आना चाहिए। ऑयल सेक्टर के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन की जो सरकार की जो पहली कोशिश थी वो BPCL पे थी। आज सबसे बड़ी सफलता भारतीय मजदूर संघ ने तब ली जब BSNL को प्राइवेट करने के लिए खूब कोशिश करी गई, लेकिन आज BSNL को हमने बचा लिया। सवाल ये भी है कि EWS कोटा अभी हाल ही में फैसला आया भाई, सवर्णों के लिए 10% उस पर जो है आरक्षण दे दिया आर्थिक रूप से, तो ये भी तो आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है, आप फिर भी विरोध कर रहे हैं, बताइए। बात इसका नहीं है, बात विरोध हो रहा है सरकार की नीतियों का, कि सरकार जो प्राइवेट, एक ही बात बोल रहे हैं, सरकार की नीतियों का विरोध है। परेशान क्यों है? नीतियों से परेशान क्यों? भरोसा रखिए ना, EWS पे भरोसा जताया है ना अभी तक। आप EWS की बात करी, आप मजदूर का कोई ऐसा मुद्दा बता दीजिए मुझे, आपने मजदूरों के हित में क्या काम किया? भी काम कर रही भाई, आप बताइए ना क्या काम किया? सरकार बताती है, मैं क्या बताऊँ? आप मीडिया देखते हैं ना, आप EWS की बात करते हैं ना, सरकार प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रही है? सरकार मोनोटाइजेशन क्यों कर रही है? सरकार जो ठेका कर्मी है उनको नियमित करे,
संविधान पे क्यों लगा रही है सरकार, जो जिस तरीके की व्यवस्था लाना चाह रही है कि धीरे धीरे सारी जो प्रॉफिट वाली कंपनियां हैं, प्रॉफिट वाली कंपनियां, मेरी बात को गौर करना, प्रॉफिट वाली कंपनियों को प्राइवेट कर दिया जाए। जब प्रॉफिट वाली कंपनियां प्राइवेट करेगी तो इसका क्या औचित्य है, क्योंकि उससे मुनाफा कमा रहे हैं हम, सरकार को मुनाफा मिलना चाहिए। आज बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन रुका है, आने वाले दिनों में ऑयल सेक्टर में कॉर्पोरेट सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है। और देखिए ना, आपको पहली बार इंडिया जो है बदलाव की ओर है, नंबर वन की ओर है, मतलब आप ये चाह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन को होना चाहिए। सरकार बोल रही है भाई, फायदे बता रही है उसके, फायदे जो कंपनी फायदे में चल रही है उसका प्राइवेटाइजेशन क्यों होना चाहिए। कितनी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तब तो विरोध नहीं किया गया। ये प्रारंभ जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब से चलता आ रहा है, लेकिन उस समय था कि उस समय ये तय हुआ था कि जो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं उनका प्राइवेटाइजेशन करेंगे। अभी बात आ रही जो प्रॉफिट में जो कंपनियां चल रही उनका प्राइवेटाइजेशन करने की कहां जरूरत है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। सरकार को कुछ सही लगा होगा, सरकार को अपना फायदा दिख रहा है ना, सरकार को अपना फायदा दिख रहा है। मॉनेटरी खजाना बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे कदम ले रही है, लेकिन उससे हमारा नुकसान हो रहा है ना। मैं चाहूंगा कि भैया बताएं कि हम लोग बैंकों की यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग बैंक इम्प्लाई हैं। मेरा नाम अमित कुमार सिंह हुआ और मैं पटना से हूँ। मैं कौन सी राजनीति की बात नहीं, मैं आपने जो वो EWS और ये सब मुद्दों से हम लोग आप लोगों के लिए नहीं कर रहा है, कोई लेना देना है, मेरी बात सुनिए। प्रश्न ये है कि बैंकों का सरकारीकरण जो हुआ था तो वो क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था कि बैंकिंग सेवाएं छोटे से छोटे गरीब से गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, और पुनः जब आप उसका प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो फिर से वही होगा। आज एक कौन सी पहुंच रही है छोटे छोटे तबकों में, गांव में, आप जाके देखिए। पूछा है कितने लोगों के खाते ही नहीं बने हुए भाई, कितने लोग हैं आपको पता है, जनधन में 60 करोड़ खाते खुले हुए, किसके खुले हैं? योजना जो है उसका भी बहिष्कार किया जा रहा था, कोई बहिष्कार नहीं हुआ, अगर बहिष्कार होता तो 60 करोड़ खाते नहीं खुलते। जनधन योजना को इतना बढ़िया बता रहे तो फिर भैया उनके ऊपर भरोसा भी रखिए ना, सरकार पे भरोसा ही नहीं हो रहा है आप लोग। नहीं, क्यों नहीं भरोसा है? दो पहलुओं पे नाच रहे हैं आप, दो पहलुओं पे नाच रहे हैं, सरकार की नीति बता रहे हैं, सरकार को अच्छा भी बता। मेरी बात सुनिए, सरकारी बैंकों ने जो जनधन खाते खोले हैं क्या प्राइवेट बैंकों ने खोले हैं? प्राइवेट बैंक आपको प्राइवेट बैंक एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के किस तरह के लोगों को बुलाती है, आम लोगों, सरकार आम लोगों के लिए काम करती है, उसको स्वागत हम करते हैं। और हम ये भी कहते हैं, ये भी फैसले का स्वागत करिए ना। देखिए, आपकी EWS के सवाल का मैं जवाब दूंगा कि वो एक सम्मानजनक फैसला है, उसको सपोर्ट किए गए, वो एक अलग मुद्दा है। अभी हम लोग बैंक कर्मी हैं, इस नीति का भी विरोध क्यों कर रहे हैं आप? प्राइवेटाइजेशन का भाई फायदा बता रहे हैं, सरकार गिना रही है, ऐसा क्यों होता है कि सरकार कोई नीति लाती है उसका विरोध होने लग जाता है? विरोध नहीं होगा उसका, प्रोस और कॉन्स कौन देखेगा, इम्प्लाई ही तो देखेगा सरकार। वोट देके आप ही लोग तो सरकार को लाए हैं सत्ता में, कैसे जानती है कि हम किसको वोट देते हैं? वोट तो एक कॉन्फिडेंशियल मुद्दा है। तो सत्ता में सरकार ऐसे ही आ गई है, सरकार मतलब सरकार पे घोटाले का आप इल्जाम लगा। पहले बात समझिए, सरकार आप ही जनता लोग को देते हैं ना वोट। मेरी बात सुनिए, सरकार कोई भी हो, जो भी निजीकरण करेगी हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रहित में नहीं है। इससे बैंकिंग सेवाएं आम लोगों से काफी दूर चली जाएंगी। एक गरीब आदमी जो 100 रुपया कमा करके बैंक में जाके अपने खाते में बैलेंस रखता है वो नहीं रख पाएगा। आप डाटा उठा के देख लीजिए कि प्राइवेट बैंक में कितने कस्टमर हैं जिनके खाते में 100 रुपये हैं, आपको एक कस्टमर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका मिनिमम बैलेंस 750 रुपये से शुरू होता है। अगर आपका अकाउंट भी किसी प्राइवेट बैंक में होगा, आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए, और सरकारी बैंकों का जा करके देखिए। यहाँ आज भी 0 बैलेंस की फैसिलिटी है, आज भी स्टूडेंट का खाता खोला जाता है, किसान का खाता खोला जाता है, आप जाके जो है आम आदमी एक जाता तो है। प्राइवेटाइजेशन में ये सब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल जनता को आज ही आज के डेट आप जनता के लिए सोच रहे, खुद जनता जनता के लिए सोच रही, सरकार नहीं सोच पा रही है। नहीं, सरकार बड़ी बात है, सरकार को मार्गदर्शित कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर ठीक है, ग्राउंड लेवल अटक गई है सरकार, ग्राउंड लेवल इस मुद्दे में अटक गई है सरकार, बिल्कुल इस मुद्दे पे। खासकर मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि आज भी जो लोग प्राइवेट सेक्टर लोन लेते हैं ना, उनकी आप लोन की स्टेटमेंट देख लें, मैं एक टेक्निकल चीज बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर से उनकी लोन की स्टेटमेंट देख लें, जो अननेसेसरी चार्जेस लगते हैं, और एक सरकारी बैंक से लिए हुए लोन की स्टेटमेंट देख लें, आपको फर्क पता लग जाएगा। और ये किसके फायदे के लिए है? जनता के फायदे के लिए है, इसमें हमारा भी जुड़ा हुआ है। आपका भी तो फायदा है इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। हम देखिए, हम NPS की बात करते हैं, हम ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद हमारे खर्चे बढ़ने वाले, हमारा इनकम बिल्कुल कम कर दिया जा रहा है, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए।
ओल्ड पेंशन स्कीम बेहतर है उसके लिए हम कह रहे हैं। आपके ऊपर पड़ी तब आप लोग यहाँ पे आ गए और इससे पहले आप लोग नहीं आ रहे थे। हम लोग शुरू जब जनता पूरी जब आ रही थी रोडों पे तब आप सोए हुए थे। जब ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा था सरकार ने जनधन खाते खोलने का टारगेट हमें दिया, हमें लगा कि जनता के हित के लिए है, हमने जी जान देकर किया कि नहीं किया। आराम चैन छिन जाएगा आप लोगों, इसलिए परेशान। आराम चैन की बात नहीं है, देखिए कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जब भी खुलता है तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, तो लाभ कमाना जहां मुख्य उद्देश्य होगा वहां पर सेवाएं महंगी होती जाएंगी, ब्याज दर महंगे होते जाएंगे और सरकारी जो संस्थाएं होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है, इसलिए आप इतने फायदे गिना रहे हैं तो सरकार को क्यों नहीं समझ में? तो भाई उसी के लिए तो ये धरना प्रदर्शन है। सुनी जाएगी आपकी बात, एकदम सुनना ही है। अभी आज जो है दो मंत्रालय से रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है, ये सुन रहे तभी तो उसका नतीजा है। तो सरकार को लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनना चाहिए, तभी तो बुलाया गया, सुना होगा आप यहाँ पे। सरकार आपके मुद्दों पे मतलब गहन सोच कर रही है। जी बिल्कुल सर, मैं विशाल भारद्वाज, कहाँ से आए हैं? होटल डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से। अच्छा, आप भी परेशान हैं ये नीतियों से। लेकिन सर आप दो तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए मतलब पॉलिटिक्स तो आप लोग भी खेल रहे हैं, मतलब 2024 का चुनाव होने वाला है। नहीं, आप बोल रहे सरकार बढ़िया है, नीतियों का विरोध है। भैया नीतियां भी तो अच्छी ला रही है वो। मैं तो बात ही अभी शुरू कर रहा हूँ, आप मेरे को बताएं क्या आप प्रश्न करना चाहते हैं। मैंने ऐसा भी लोगों से जान रही हूँ तो वो कह रहे नीतियों का विरोध हो रहा है, भैया नीतियां भी तो अच्छी ला रही है वो। देखिए जहाँ अच्छी नीतियां आ रही है वहाँ हम सरकार का पूरा मतलब खुलकर 100 की 100 नीतियां आपके हक में। मैं एक बात बताता हूँ, नोटबंदी हुई थी भाई, नोटबंदी हुई हित में तो काम हो ही रहा है। राष्ट्रहित में नहीं हो रहा है ना, जब सेवाएं महंगी होंगी, गरीबों से आप बैंकिंग को दूर कर देंगे, गांव की सारी ब्रांचेज बंद हो जाएंगी, तो कहां से राष्ट्रहित है? राष्ट्रहित तो तब है जब हमारा देश का जो है कोना कोना में एक एक आदमी को हमारी बैंकिंग सेवाएं मिली और वो राष्ट्रीयकृत बैंक ही दे सकते हैं, प्राइवेट बैंक नहीं दे सकता है। आज भी आप मेरे साथ चलिए, कितने गांव में प्राइवेट बैंक की शाखाओं है। हर काम बढ़िया ही करते हैं आपने हमेशा से सराहा। ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी इंसान सब बढ़िया ही काम करेगा, ये असंभव है, ये दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। जहां भी नीतियों के विरोध में राष्ट्र के विरोध में कदम उठाया जाएगा हम लोग विरोध करेंगे, चाहे वो मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम लोग कोई क्या बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ जहाँ अच्छी नीतियाँ आ रही हैं उनका वेलकम है, स्वागत है पूरी तरह से। 8 साल से सरकार इसीलिए रिपीट इसी भी फैसले का भी स्वागत कीजिए ना, आप जब इतना ही स्वागत कर रहे हैं इसलिए किया जाए इस फैसले का स्वागत। सरकार भाई फायदे बता रही है, इधर फायदा बता रही है, आप लोगों को फायदा ही नहीं समझ में आ रहा है। हमेशा से सरकार कोई नीति लाती है आप उसका विरोध क्यों करने लग जाते हैं? एक पर्टिकुलर कुछ पॉलिसी भी करते हैं फिर वोट भी आपका चले जाते हैं। नहीं, आप देखिए वोट एक गुप्त अधिकार है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। 24 का भी चुनाव है, वोट के लिए हम पूरा मुद्दा देखेंगे, देश का मुद्दा देखेंगे, सुरक्षा देखेंगे, सब देखेंगे। अभी हम अपने मुद्दे के लिए आए हैं। आपका मुद्दा नहीं हुआ मान लीजिए, नई सरकार ने सुना, फिर क्या करी आप ना? आप अभी मैडम इस मुद्दे को वोट विरोधी करते रहेंगे, वोट की चोट है। इस मुद्दे को वोटिंग का भी विरोध कर रहे हैं ना, हमारे पास भी नेट से मत जुड़िए। हम यहाँ सरकार गिराने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने हक के लिए आए हैं। सरकार गिराने नहीं आए हक के लिए, नॉन पॉलिटिकल पार्टी, हम एम्प्लॉई हैं। भरोसा जताइए सरकार के ऊपर, आपकी बात सुनी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव का देखिए ये पहना हुआ है, आजादी का अमृत महोत्सव चखिए भाई, कभी मिला था? अमृत मिल रहा है, आप लोग परेशान हो रहे हैं, बताइए ये सामने देखिए अमृत महोत्सव का अमृत पहना हुआ है, उसमें बातें कहने का हक थोड़ा छीना जाएगा? हम बात तो रख सकते हैं ना, बस अमृत मिल रहा है चाहिए, फिर आप जहर भी उगल रहे हैं। अमृत चाहिए और हमें डिमांड पूरी होनी चाहिए। 75 साल आजादी के, देखिए कभी हुआ ऐसा आजादी का अमृत महोत्सव चखा जा रहा है? वो हो ना, वो सरकार बनाए, हमका उससे विरोध नहीं है। आप एक चीज बताइए कि अगर हर चीज प्राइवेटाइज हो जाएगा, किसके खिलाफ? मेरे खिलाफ यहाँ विरोध करने आए हैं? नहीं नहीं, हर चीज अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो सेवाएं इतनी महंगी हो जाएंगी कि बैंक में आप नहीं जा पाइएगा ना, सीधा सा वो नहीं कर पा रहे कि भैया हम किसके किस लिए विरोध कर रहे हैं? विरोध करते हैं चाहे ये नीतियाँ तो सरकार की, सरकार लाए या कांग्रेस लाए या थर्ड फ्रंट तो सरकार की है भाई। हाँ तो उस नीति का हम विरोध कर रहे हैं, नीति पे मंथन करे सरकार ना, नीति पे मंथन किया जा सकता है ना, अगर सरकार ने नीति लाई सरकार लगता अच्छा है। हम लोग विरोध कर रहे हैं, किसान बिल वापस हुआ कि नहीं हुआ तो इसी तरह ये बिल भी वापस होगा। अभी भी अटका पड़ा है मुद्दा, किसान परेशान है। किसान का बिल सरकार ने वापस लिया, दबाव में आके वापस लिया।
आप कह रहे हैं कि आपका भी वापस लेंगे? बिल्कुल, वो तो बैठे थे पूरा साल, एक साल बैठे, भी बैठेंगे हम भी रोड पर आने, आपके बस की नहीं है, वो किसान है भाई, किसान पुत्र है, हम भी किसान ही पुत्र है, हम लोग भी गांव से ही आते हैं, हम लोग कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए। लोगों को तो बैंकों में एसी में बैठने की आदत, कहाँ आप लोग सड़कों पे उतर, आज न बैंक में है टाइम, आज न बैंक में है, हम लोग भी खेत में काम करके आए हैं मैडम, ऐसा नहीं है कि सीधा बैंक में ही आ गए हैं, हम लोग भी खेत में ही काम करके गए हैं। हो रहा है, अच्छा चुनाव भी है अभी थोड़ा सा, मैं उसके बारे में पूछ रही, तो वोट भी तो देंगे, वोट तो आपको, हम लोग वोट देते हैं, वो गुप्त मतदान होता है, वो मैं कैमरे पर आपको नहीं शेयर कर सकता। नहीं बताइए, मैं यही तो कह रही हूँ कि किसी को तो वोट देंगे वो उस समय हमको जो कैंडिडेट देखेंगे, आप सरकार की तरफ सुनिए उस समय कैंडिडेट का लिस्ट देखेंगे, जो सुटेबल कैंडिडेट होगा उसको देंगे, वो मैं आपको अभी कैमरे में कुछ और बोलते हैं, पीछे तो काम आप ही लोग, नहीं ऐसा नहीं है, जो हम कैमरे के सामने बोलते हैं कैमरे के पीछे भी वही बोलते हैं और करते भी वही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये तमाम लोग जो है अलग अलग राज्यों से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, रांची से आए हैं, झारखंड से आए हैं, ये तमाम लोग आज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बिहार का नाम भी मैंने ले लिया, ये जो सर है ये बोल रहे बिहार का नाम लेना भूल गई, तो बिहार से भी यहाँ पे आए हैं भाई, बिहार तो भूला ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार तो हर तबके से आगे ही है और हमेशा से विरोध और शिक्षा में भी आगे रहा है। तो भाई ये अलग अलग तमाम राज्यों से लोग आए हुए विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चख रहे हैं, लेकिन जहर का प्याला भी इनके हाथ में दे दिया गया है। तो ये विडम्बना है इनकी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चखे या फिर जहर का प्याला पिए। तो ये आज की तस्वीर है, ये देश की तस्वीर ही है, जो इतनी संख्या में लोग यहाँ आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद पर प्रदर्शन करने आए हैं और यहाँ से कूच करते हुए भी जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि भैया मंत्रालय से भी जो है यहाँ पे हमने आगे पत्र भेजा है और हमारी मांग डिमांड नहीं सुनी गई। तो जैसे किसानों ने चक्का जाम किया था, बैठे थे रोडों पर, वैसे ये लोग भी बैठेंगे। तो यही सब समस्या और इनकी परेशानी है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।